तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले एकदम सस्ते, एकदम अच्छे और एकदम प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में। अभी जो बैकग्राउंड आप मेरे पीछे देख रहे हो, आप सोच रहे होगे कि मैंने कोई 1-2 लाख का सेटअप खड़ा कर दिया, लेकिन ये है मेरी रियलिटी। मैं ऐसे वीडियो शूट करता हूँ और वीडियो एडिटिंग के टाइम में ये वाला रूम इरेज करके, मतलब कि रिमूव करके, एकदम प्रोफेशनल वाला बैकग्राउंड ऐड कर देता हूँ। तो आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन बैकग्राउंड की वजह से आपने अभी तक स्टार्ट नहीं की है, तो आज की वीडियो में आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं आपको कि हमारे चैनल पे एक छोटा सा गिव अवे चल रहा है। अगर आपने अभी तक गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो मैं आपको लिंक यहाँ पे आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा, अब वहाँ से जाके डायरेक्ट गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से लाल वाला बटन दबा दो और सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आपको भाई ऐसे धमाकेदार वीडियोस आगे भी लाने वाले। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है वीडियो शूट कैसे करना है, और दूसरा जो टॉपिक है कि वीडियो एडिट कैसे करना है, मतलब कि ये वाला बैकग्राउंड रिमूव करके अच्छा से प्रोफेशनल बैकग्राउंड कैसे ऐड करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि वीडियो को शूट कैसे करना है। तो वीडियो शूटिंग के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी ग्रीन स्क्रीन की। अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, और अगर आप ऑनलाइन परचेस नहीं करना चाहते तो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँ, आप ब्लू स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा कि मैं भी ब्लू स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और वीडियो शूट करते टाइम आपको एक चीज़ खास ध्यान में रखनी है, आपको लाइटिंग का कुछ इस तरह से सेटअप करना है कि आपको दोनों तरफ से लाइट आती हो, बल्कि जितना हो सके उतना आपका शेडो पीछे कम दिखे, तो क्या है कि वीडियो एडिटिंग के टाइम में आपको ईजी रहेगा। अब जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है वीडियो एडिटिंग का। तो चलिए अब बाकी की प्रोसेस करते हैं हमारे मोबाइल। सो फ्रेंड्स, मैं जो वीडियो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो है काइनमास्टर। ये एक मॉड ऐप है, मतलब कि यहाँ पे आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो आपको वहाँ पे क्रोमा की नहीं मिलती। सो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, काइनमास्टर ओपन कर लेने के बाद आपको सबसे पहले क्लिक करना है यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे, और सिलेक्ट कर लेना है 16:9 वाला रेशियो। बाद में आपको जाना है मीडिया में, और आपको वो वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है जो आप अपनी रखना चाहते हो अपने बैक साइड में, मतलब। बाद में इस इमेज पे आपको टैप करना है और यहाँ पे पैन एंड जूम वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, और इसको अपने बैकग्राउंड के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। बाद में यहाँ पे इक्वल वाला ऑप्शन क्लिक करके इसे कर देना है ओके। बाद में इसको आपको ड्रैग करना है, मतलब कि आपके वीडियो की जितनी लेंथ है उसको, इसको मतलब ये इमेज को आपको उतना एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 मिनट तक का एक्सटेंड कर रहा हूँ, देख सकते हो। बाद में यहाँ पे आपको ओके कर देना है। अब क्या करना है, आपको जाना है लेयर में, यहाँ पे क्लिक करना है मीडिया, और आपका जो वीडियो आपने रिकॉर्ड किया है उसको यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको सबसे पहले इसको करना है क्रॉप। तो हम क्रॉपिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके इस वीडियो को क्रॉप कर देंगे, जितना हो सके उतना आपको क्रॉप कर देना है। सिर्फ आपकी ब्लू या ग्रीन स्क्रीन ही मतलब वीडियो में दिखनी चाहिए। बाद में इसको कर देना है ओके। अब जो दूसरा स्टेप आता है, इसको आपको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। आप जितना रखना चाहते हो उतना आप एडजस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इतना एडजस्ट कर लेता हूँ। अब एडजस्ट तो हो चुका है, अब हमें क्या करना है, लेयर वाला जो वीडियो उस पर क्लिक करना है। बाद में जाना है क्रोमा की में, अब इसको क्रोमा की को अनेबल कर देना है। अब काइनमास्टर से जितना हो सकता था उतना अच्छी तरह से उन्होंने कर दिया, अब हमें इसे मैन्युअली सेट करना है। अब हमें क्या करना है, जितना हमें बैकग्राउंड इरेज करना है वो पूरे का पूरा हमें यहाँ पे ब्लैक कर देना है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है मतलब कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसको हमें पूरा का पूरा वाइट कर देना है इस तरह से। यहाँ पे शो मास्क पे क्लिक करोगे तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे मिल जाएगा, आप मतलब कि आप जितना सेट करना चाहते हो वहाँ पे। बाद में इसे कर देना है ओके। अब क्या करना है, हमें जो इमेज सिलेक्ट किया था उस इमेज पे सिलेक्ट मतलब क्लिक करना है, और बाद में ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इससे अनेबल कर देना है। मतलब इसकी वजह से आपके वीडियो में थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप का इफेक्ट आ जाएगा। अब हमारे वीडियो को आप एडजस्ट कर लेना है, हमारे ऑब्जेक्ट को आप जहाँ पर रखना चाहते हो वहाँ पर, ठीक है। अभी लेयर वाले वीडियो पे क्लिक करके इसे थोड़ा आप एडजस्टमेंट यहाँ से भी कर सकते हो। आप ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो, और सेचुरेशन कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा सेचुरेशन कम कर रहा हूँ। आप देख सकते हो आप वीडियो एकदम अच्छी तरह से एडिट हो चुका है। आप जो चाहे वो बैकग्राउंड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये बैकग्राउंड यूज़ नहीं करना है तो आप इसे डिलीट करके या मीडिया में जाके आप जो बैकग्राउंड, मतलब कि अगर ये वाला बैकग्राउंड रखना है तो ये वाला बैकग्राउंड रख सकते हो। आप देख सकते हो ये बैकग्राउंड पे क्लिक करके इसे भी
यहाँ पे पेन एंड जूम करके एडजस्ट कर लेना है। मैं सारे बैकग्राउंड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, आप इसी तरह से अपने वीडियो को एकदम प्रोफेशनल टच दे सकते। अगर आपके पास अच्छा सा बैकग्राउंड नहीं है तो आप कोई भी स्क्रीन लगा सकते हो। अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है तो आप ब्लू स्क्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर दो। साथ ही मैं बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि आप हमें ऐसे धमाकेदार वीडियोस आगे भी लाने वाले। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।